हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामासर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2024 के नए नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, ऑल इंडिया वैकेंसी है। क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या एज लिमिट होगी, अप्लाई डेट से लेकर के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, संपूर्ण डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स से। तो आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वह 29 जुलाई 2024 से ही इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और इसके लिए लास्ट डेट की बात करें तो 27 अगस्त 2024 को शाम 5:30 बजे तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वहीं 27 अगस्त 2024 को रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ही एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफाई कर देंगे। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो हमारा एप्लीकेशन फ़ीस है वह जनरल OBC और EWS के लिए 200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि SC ST और महिला वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च IPR मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS रिक्रूटमेंट 2024, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 09 है, 2024 का नवा एडवर्टाइजमेंट। इसके शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन का डिस्कस आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं। फुल डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन के लिए आप sarkaririzalt.com पर या IPR की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR MTS नोटिफिकेशन 2024 से रिलेटेड एज लिमिट की बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आयु जो होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वह 30 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS एग्जाम रिक्रूटमेंट रूल्स 2024 के अकॉर्डिंग आयु में छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं IPS मल्टीटास्किंग स्टाफ के 2024 के इस वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसमें टोटल 27 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। यदि आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रखी है तो आप ये 27 पदों पर जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई है इसमें आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दे दी है। 29 जुलाई 2024 से लेकर के 27 अगस्त 2024 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें कोई भी सलाह या सुझाव देना है तो अवश्य दें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।